हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चेक करो एक बार वॉइस वगैरह ओके है तो सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी सोनिया विक्की करमजीत बलप्रीत पूजा रेशम जसप्रीत संदीप ललिता गुरस्मित सुखप्रीत संदीप करमजीत गुड इवनिंग सभी को प्रजेंट। प्रजेंट गुड इवनिंग जीरो रोल नंबर से प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं लगेगी जीरो रोल नंबर से हाँ जी गुड इवनिंग सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी रहता दे राजा गुड इवनिंग सुधीर सर ओके जी थैंक यू थैंक यू गुड इवनिंग सभी को हाँ जी आज आपके लिए काफी टफ टफ क्वेश्चन है इवन केबीसी के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे आज के आज की क्लास में बहुत जबरदस्त रहने अमिताभ बच्चन जी आते रहेंगे बार बार बीच बीच में ओके okay. नवी सुखमन सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारे एक बार क्लास को शेयर करे फटाफट से जल्दी से जल्दी जी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फटाफट से क्योंकि जितनी भी क्लास होगी इसका टेस्ट आपको शनिवार को जो टेस्ट होगा शुक्रवार को जो टेस्ट होगा वो टेस्ट इन्हीं पांच जो पांच दिन की अपनी क्लास रहने वाली इन्हीं में से टेस्ट होगा ठीक है गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग ओके जी करें शुरू चलो जी टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना आज का हमारा टॉपिक रहने वाला स्पोर्ट्स का और जिसमें हम ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन करें काफी सारे पहले ही पहला क्वेश्चन देखो इन स्पोर्ट्स इज द पार्टिसिपेंट कोल्ड पुगलिस्ट किडी खेडा विच बाग वाले नु मुकदमा कीहा कि, जांदा है स्प्रिंटर बॉक्सिंग रेसलिंग या फिर जैवलियन थ्रो कोई बात नहीं क्लास टाइम रिप्लाई नहीं कर जल्दी-जल्दी से करो फटाफट से सर आज बहुत टाइम बाद तुम्हारी क्लास लगाना रे टाइम ही नहीं पता लग रहा सी क्लास दा टाइम की है ओके जल्दी से जल्दी देखो सबसे पहले आज के क्वेश्चन का आंसर कौन से ही देता है सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करो पहले तो सबसे पहले तो और क्लास को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो उसके फास्ट स्प्रिंटर बॉक्सिंग रेसलिंग या फिर अपने पास चौथा ऑप्शन है जेवलियन थ्रो किस खेल से संबंधित है

ट्रम्प बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रेफर टू विस्पोर्ट बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल संबंध रखता है रेसलिंग वॉलीबॉल टेनिस स्विमिंग किस खेल से संबंधित है सारे के सारे क्लास को शेयर और लाइक करो जल्दी से जल्दी कई कहते हैं गुरु पता नहीं क्वेश्चन पेपर में कहां से आ जाते हैं आज देखते हैं कहां से आते हैं और जिनका सही हो जाए वो एक बार अपना थम्सअप जरूर किया करो सर मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही गया है हां जी बटर स्ट्रोक सम्... का संबंध किस खेल से है स्विमिंग आंसर आ टेनिस भी आंसर आ देखो रानी ने आंसर टेनिस दिया देखो आप स्विमिंग दे रहे हो हैं हाँ जी तो आंसर क्या आएगा हमारा राइट आंसर आएगा स्विमिंग क्या आएगा स्विमिंग जो है वो राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन क्या आएगा डी ऑप्शन है स्विमिंग नेक्स्ट इन विच गेम द ट्रम पुटिंग इज यूज किस खेल में सबट पुटिंग का यूज किया जाता है चेस हॉकी गोल्फ या बिलियर्ड्स पुटिंग शब्द का यूज किस खेल में किया जाता है जल्दी से जल्दी क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाफट फड़ से आंसर है डी ऑप्शन डी साथ में लिखा करो सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है ठीक है स्विमिंग आंसर आया पिछले क्वेश्चन का चेस ओकी गोल्फ या बिलियर्ड्स किस खेल से रिलेटेड है बिल्कुल लाइव है चीजी दो सौ उनचास बड़ा सी ऑप्शन आ रहा है सी 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 तो क्या आंसर है गोल्फ इज द राइट आंसर क्या आएगा गोल्फ इज हमारा राइट आंसर है गोल्फ right किस खेल से रिलेटेड है ये गोल्फ से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक शब्द यूज होता है बीमर बीमर किस खेल में यूज किया जाता है क्रिकेट हॉकी चेस या फुटबॉल बीमर शब्द का यूज किस खेल में किया जाता है सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक करो पहले तो फिफ्टी फिफ्टी नहीं हंड्रेड परसेंट जाना आपने और अपने किसके साथ जाएंगे गोल्फ के साथ जाएंगे इज एसोसिएट विद विदर शब्द का किस में किया जाता है चेस में आंसर आ रहा है बीमर में आएगा बिमर होता है जो बॉल को सीधा डायरेक्ट विकेट कीपर के पास भेज देते हैं अपने क्रिकेट से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है क्रिकेट से चेस थोड़ी ना आएगा वाह जी वाह चेस वाले सारे क्लैपिंग करो हंसने वाले मोजी भेजते रहो चेस नहीं आएगा राइट आंसर क्या आएगा क्रिकेट आएगा लो जी अमिताभ बच्चन जी भी आगे बीच में चलो ठीक है जी आज आज आप भी कहते हैं इन द नेम ऑफ द सिटी रियो डी जेनेरियो कहते हैं सिटी है रियो डी जेनेरियो आपको बताना है जेनेरियो किस का मतलब क्या है एक कंट्री का नाम है एक महीने का नाम है एक एनिमल का नाम है या फिर एक क्वीन है बताओ क्या आंसर आएगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरु जी हम हम आंसर देंगे दो आंसर क्या आएगा है? डोलू मान जाएगा सर मेरा तो बताओ क्या आंसर आएगा इन द नेम ऑफ द सिटी डी जेनेरियो वट जेनेरियो रेफर टू कहता है एक सिटी का नाम है डी जेनेरियो आपको बताना है, जेनेरियो का मतलब क्या है कंट्री का नाम होता है एक मंथ होता है एक एनिमल होता है एक क्वीन होती है मैं बोल रहा हूं ना दिखने की जरूरत नहीं मैं बोल रहा हूं पहला ऑप्शन कंट्री है दूसरा ऑप्शन मंथ है तीसरा एनिमल है चौथा क्वीन है तो करो ये लो करो बांधने नहीं मारने राइट आंसर क्या आएगा रियो डी जेनेरियो जो की एक अगर जेनेरियो की मैं बात करूं तो जेनेरियो पुर्तगाल में एक मंथ को बोलते हैं तो जनवरी जो मंथ होता है उसको बोलते हैं तो राइट आंसर क्या आएगा मंथ आएगा अगर ये अपने को आते होते हैं तो अपने यहां नहीं बैठे होते अपने वहां बैठे होते जहां पे ये लड़की बैठी हुई है हाँ ठीक है तो आंसर क्या दो, एक नम, मन्थ आएगा आंसर आएगा नंबर मंथ आएगा मंथ ठीक है ये एक जेनेरियो एक्चुअल में क्या है कि जेनेरियो जो पुर्तगाल की भाषा से लिया गया और पुर्तगाल में जेनेरियो किसको बोलते हैं महीने को बोलते हैं ठीक है।, है चलो आज वापस थॉमस कप इज रिलेटेड टू थॉमस कप किससे है टेनिस है क्रिकेट बास्केटबॉल या बैडमिंटन अभी तो अभी तो शुरुआत हुई है और आएगा बहुत बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आने हैं लाइक like फिर भी नहीं कर कितने आपके साथ देखो आप कितनी मेहनत से ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करके लेके आए हैं, हैं शेयर और लाइक like करो जल्दी से जल्दी दबा के ठीक है तो थॉमस कप किस से संबंध है बैडमिंटन से देखो दो कप होते हैं एक थॉमस होता है थॉमस तो किस, किससे होता है मैं बैडमिंटन से होता है ठीक है मैंस से है और वुमेन से कौन सा होता है उबेर कप होता है कौन सा होता है उबेर यही वो क्लास है जहां से अगर आपका सच में दिल है ना आपके दिल में कि आप वहां उस और सीट तक जाना चाहते हो जा सकते हो हाँ अभी क्वेश्चन देखते जाओ आगे अगला राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स राइडर कप किस खेल से है क्रिकेट बैडमिंटन गोल फुटबॉल राइडर कप का संबंध किस खेल से है देखो अभी भी कई देखो हैं अभी भी लाइक नहीं करे किस टाइप के बैठे देखो देखो जी पीडीएफ की जरूरत कहा है याद ही हो जाए क्लास में है? हाँ

आंसर क्या आएगा जल्दी से जल्दी आंसर करो लाइक एक एक यार क्वेश्चन पे लाइक करते रहो साथ साथ ही आंसर क्या आएगा फ्रेंच ओपन यूएस ओपन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो तो राइट आंसर आएगा यूएस ओपन वेरी गुड बहुत बढ़िया गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को अगर आपने आंसर देते हैं आप ऑस्ट्रेलियन ओपन तो भी गलत है अगर आपने यूएस ओपन दिया तो तो आप गलत हो ही और राइट आंसर क्या है फ्रेंच ओपन क्या आएगा फ्रेंच ओपन इज द राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट देखो फ्री थ्रो इज एसोसिएट विद कहता फ्री थ्रो का शब्द का संबंध किस गेम से है बास्केटबॉल हॉकी वो वॉलीबॉल वोल, फुटबॉल जी फ्री थ्रो इज एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल हॉकी वॉलीबॉल फुटबॉल किस खेल से संबंधित है फ्री थ्रो वाह जीत वाह यार बहुत दिन बाद आए वक्त बॉल को मारा बाउंड्री लाइन के बाहर उठा के सिक्स के लिए नहीं? और साथ में बास्केटबॉल भेज दी बहुत ही बढ़िया राइट आंसर क्या आएगा बास्केटबॉल है क्या आएगा बास्केटबॉल इज द राइट आंसर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएट विद द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इनमें से कौन सा अवार्ड है जो स्पोर्ट्स में नहीं दिया जाता है स्पोर्ट्स में नहीं दिया जाता अर्जुन अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड या फिर नॉर्मन बोर अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड नहीं दिया जाता सोनू कह रहा है ध्यानचंद अवार्ड नहीं दिया जाता और मुझे लगता है कि सोनू के साथ जाओगे तो 100 परसेंट आपकी भैंस पानी में जाएगी जाएगी हाँ मेजर ध्यानचंद अवार्ड तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया में नॉर्मन बोरलॉन्ग अवार्ड है नहीं जाता। ये किस में दिया जाता है यह साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लो जी अमिताभ बच्चन जी फिर आ चुके हैं भाई और अब की बार क्या लेके आए बड़ा शानदार क्वेश्चन लेके आए जबरदस्त वाला घर तक पहुंचा दिया जाएगा आपको इन 2003 वो बीकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नेम्ड एज वन ऑफ द विजिडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर मिताली राज जेमिमा रोड्रिक्स या सेफाली वर्मा करो जल्दी जल्दी आंसर और देखते सबसे पहले किसका आंसर सही आएगा देखो मैं इसको लाने को तो ना मैं लिख के ले आता है। लेकिन था लेकिन कई बच्चे ऐसे लिख के लेके तो इतना आपको वो से दिखा देंगे गलत क्या है अब देखो इतने बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो शेयर कर दो अब दो एक मिनट का इनको विराम देते हैं और फिर वापस लेके आएंगे हरमनप्रीत द राइट आंसर पंजाब मोगे से बिलोंग करने वाली छोरी है और ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया भारतीय टीम की कैप्टन भी है बड़ी गजब खेलती है हुँ? हाँ और जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए हरमनप्रीत कौर के लिए चलो कहता होपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स कौन से गेम से है टेनिस फुटबॉल बैडमिंटन हॉकी और मुझे बताना कि ये जो तो क्वेश्चन लेके आते हैं इससे आपको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा लास्ट में वीडियो के कमेंट करके जरूर से क्योंकि फिर तभी लेके आएंगे नहीं तो इस पे है ना बहुत मथा मार के क्वेश्चन तैयार होते हैं हम्म अगर ये सही लगे ना क्वेश्चन तो थम्सअप करना कि गुरुजी ये साथ में एडिट कर दिया करो क्वेश्चन बढ़िया है फिर तो अपने लेके आएंगे रोज अक्टूबर बैच वाले सोनू गहरे कॉमेंट करो गुरुजी कौन कौन है हाँ बैडमिंटन आ रहा है क्या बात है वेरी गुड बहुत बड़े शाबाश बैडमिंटन बैडमिंटन वेरी गुड बहुत बढ़िया हाँ। वेरी गुड शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया हाँ। ठीक सर काम तैयारी यार आपकी मैं कहता हूं वाक्य में बहुत जबरदस्त है है ना तैयारी का कोई लेवल नहीं है राइट आंसर आएगा टेनिस <laughs> क्या आएगा टेनिस आएगा होपमैन कप टेनिस से संबंधित एक बहुत ही जबरदस्त कप है टेनिस सर काम है स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम में आया था यह कप वाला क्वेश्चन है कप वाले क्वेश्चन आते कप ही तो मिलेंगे अपने जब जीतेंगे तब चलो द ट्रम्प पिक्चर इज एसोसिएट विद पिक्चर जो है शब्द है किस जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल बेसबॉल बॉक्सिंग या रेसलिंग हां जी किससे जुड़ा हुआ सर गलत हो गया तुम्हें कह हां तो पता ही मेरे को हां मज गई हूं हां वो गई कदे करे पिला के चादा कप पिला देना हाँ वो ये कप वो नहीं है दूसरे वाला ये टेनिस वाला है रेसलिंग दे रही है पूनम नोबिता बॉक्सिंग दे रही है खत्री दो नंबर दे रहे हैं जसप्रीत कह रही बी आएगा बेसबॉल है शेफाली कह रहे सी आएगा रमन कह रहे सी अगर जिस चीज ने आंसर बॉक्सिंग दिया अपने अपने लिए एक बार हंसने वाली मोजी भेज लो गलत हो गए और जिसने आंसर रेसलिंग दिया वो तो दो बजो क्योंकि राइट आंसर आएगा बेसबॉल क्या आएगा बेसबॉल इज द राइट आंसर क्या आएगा बेसबॉल इज द राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम में टेंशन ना लो अभी तो आप देखते हो आपको गुरु सीनियर असिस्टेंट में आया था अभी थोड़ा सा सबर करना जरूरी जंप बॉल किस खेल में होता है जंप बॉल सॉफ्ट बॉल में बास्केटबॉल में बॉल में या बेसबॉल में जंप बॉल किसमें होता है जल्दी से जल्दी बताओ जंप बॉल अब इन जो गलत हो रहे हैं ना देखो वो उनके वो जो लाइक नहीं करे उन्हीं के हो रहे हैं जंप बॉल में संबंधित है सॉफ्ट बॉल बास्केटबॉल नेटबॉल या बेसबॉल। चलो दे दें कोई बात पीडीएफ भेज दें कोई चक्कर नहीं जंप बॉल कई बच्चे तो बहुत होशियार है यार हंड्रेड परसेंट लिख के भेज रहे हैं देखो हैं आंसर क्या है? आएगा आंसर आएगा बास्केटबॉल वेर डिज द गेम ऑफ चेस ओरिजियंट कहते हैं शतरंज खेड़ कितने शुरू हुई मतलब शतरंज के जन्मदाता कौन सी कंट्री है इंडिया परसिया अरबिया यूरोप करो करो जल्दी जल्दी आंसर क्या आना है वे डिड द गेम ऑफ चेस शतरंज की खेड कितने शुरू हुई और साथ में ये बताओ कि जहां से शतरंज शुरू हुआ वहीं से पोलो शुरू हुआ कौन सा गेम शुरू हुआ पोलो का गेम भी वहीं से शुरू हुआ तो राइट आंसर क्या आएगा इंडिया क्या आंसर आएगा इंडिया को सर लो कर दो बिल्कुल लो कर दिया नेक्स्ट देखो लो जी आगे अपने फिर से और ये क्वेश्चन तो वा, वाक्य भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है कहता है व्हाट हैज द आईएनएस इंडियन नेवल शिप था जिसका नाम था ए डी कमीशन लोकेटेड इन विशाखापट्टनम कहता है इसने बहुत टाइम तक क्या किया भारत में पंडुबी की सेवा की और बाद में इसने क्या किया अभी एक छोड़ दिया गया है और आप ये बताओ कि जो आईएनएस एन है उसको किस नाम से अब नए रूप में दे दिया है एक्वेरियम बनाया म्यूजियम बना दिया गया है स्कूबा डाइविंग साइट बना दिया गया है यहाँ पे स्कूल बना दिया गया है क्या बनाया गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद लाइक की संख्या सीधी सीधी बढ़ा देनी चाहिए डेढ़ सौ चाहिए पूरा नाम लिखना है यहां एक्वेरियम बना है म्यूजियम है स्कूबा डाइविंग साइट बनी है या स्कूल बनाया एक्वेरियम बनाया स्कूबा डाइविंग बनाया म्यूजियम भी बनाया स्कूल भी बना दिया नोबिता ने वेरी गुड बहुत बढ़िया मतलब सारे कुछ बना दिए कुछ छोटा तो थो नहीं है राम राम सर जी राम राम जी राम राम राइट आंसर मार के आएगा इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा म्यूजियम बना दिया गया है क्या बना दिया गया है म्यूजियम बना दिया किस किस बच्चे का आंसर म्यूजियम आया बी जिसका बी है थम्सअप करो राइट आंसर बी है नेक्स्ट देखो संतोष ट्रॉफी एसोसिएट विद विद स्पोर्ट्स किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से है बैडमिंटन फुटबॉल हॉकी बास्केटबॉल जी गलत हो गया सर कोई बात नहीं गलत हो गया को फिर से बुलाएंगे बैडमिंटन फुटबॉल हॉकी बास्केटबॉल ये तो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है फुटबॉल से आपकी बार की किसने जीती है कमेंट करो अगला ले अप शॉट इज ए ट्रम एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम कहता है ले अप शॉट हेट लिखा खेडा विचो किस नाल जुड़े हुआ है हैंडबॉल बास्केटबॉल थ्रोबॉल या फिर वॉलीबॉल किससे जुड़ा हुआ है फुटबॉल आंसर आ रहा है बी भी आंसर आ, आ रहा है, नवजोत का आंसर बी आ रहा है कर्नाटका ने जीता आफ्टर फिफ्टी फोर किसको किसको हराया था मेघालय को हराया था एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सर बहुत खुश खुशी हो रही है मैं पढ़ के गई थी उस म्यूजियम में ओके ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली आगे देखो बास्केटबॉल आएगा क्या आएगा इज द राइट आंसर बी ऑप्शन आएगा क्या बी आएगा बी ऑप्शन आएगा बास्केटबॉल सुबर्तो कप इज एसोसिएट विद विध स्पोर्ट सुबर्तो कप किस खेल से संबंधित है हॉकी फुटबॉल बास्केटबॉल बैडमिंटन कप किस खेल से संबंध रखता है सुबर कप भाई यार देखो एक ही बात है ना मेरे को सही अच्छी नहीं लगती देखो जब आपको इतने बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको लाइक वाले पे क्लिक करने में क्या जाता है बताओ मेरे को है? कहीं पर भी हो रहे हैं क्या केबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप बता दो कब किस खेल से संबंधित है फुटबॉल से है रंगास्वामी कप इज एसोसिएट विद विच स्पोर्ट्स रंगा स्वामी खे, किस खेल से है गोल्फ हॉकी फुटबॉल रेसलिंग रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है स्पीड बढ़ा देंगे देखते जो अभी जस्ट एक मिनट के अंदर अंदर रंगा स्वामी किस खेल से संबंधित है तो रंगा स्वामी कप किस खेल से है ये हमारे पास है हॉकी से है किस से है हॉकी लो जी फिर आ गया ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई देखो फिर आ गया अमिताभन जी कहता है वट डज द आर स्टैंड फॉर इन दी आर ए एन एक स्कीम चल रही है पी आर एन जनरेटेड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम भारत में स्कीम चलती है जिसमें पेंशन मिलती है नेशनल पेंशन स्कीम उसके अंतर्गत आपसे पूछ रहा है पी आर ए एन में आपसे क्या पूछ रहा है आर का मतलब क्या है रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू रिटायरमेंट या रेगुलेशन क्या आएगा बताओ रूपिंदर ने सबसे पहले आंसर दिया रिटायरमेंट अभी का आंसर भी रिटायरमेंट आ रहा है बेईमान आ रहा है रजिस्ट्रेशन सुखवीर का तो जो राइट आंसर है वो होता है हमारा क्या आएगा रिटायरमेंट पेंशन रिटायरमेंट रजिस्ट्रेशन अकाउंट इसका क्या पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पी आर एन परमानेंट नहीं आया ठीक है तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर जिसका भी सी आया वेरी गुड शहबास बहुत ही बढ़िया यार क्या बात है लगभग आंसर सी दिया शहबाश चले आगे चलो रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएट एस विद विथ स्पोर्ट्स रणजी ट्रॉफी किसके से संबंधित है ये तो पता ही आपको रणजी ट्रॉफी रणजीत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है गुड इवनिंग पूजा गुड इवनिंग लाइक करो आते सारी फटाफट से आंसर क्या आएगा ये सारी के सारी जितनी भी रणजी ट्रॉफी है और ट्रॉफी सारी के सारी किससे क्रिकेट से रणजी की, की, की बात करें ईरानी ट्रॉफी की बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें सारी किस खेल से हैं क्रिकेट और अब की बार बताओ 2023 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है बुल्स आई इज इन द गेम ऑफ किस खेल में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है शूटिंग बॉक्सिंग पोलो बेसबॉल सी के नायडू देवदा ट्रॉफी सारी की सारी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है क्रिकेट से हैं सर मेरे को रोल नंबर नहीं मिला आज वीडियो के नीचे लास्ट में कमेंट करना सारों को अपने क्लास वाले परमानेंट रोल नंबर मिल जाएंगे सौराष्ट्र ने जीता था वेस्ट बंगाल को राके आंसर क्या आएगा शूटिंग क्या आएगा शूटिंग हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा शूटिंग विच ऑफ द फॉलो ट्रॉफी इज नॉट अवारेड इन क्रिकेट इनमें से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है एस एस ट्रॉफी राइडर कप रणजी ट्रॉफी या देवद ट्रॉफी सतु सर मैन सताल जी सारे बोलो वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी हां जी आंसर आंसर क्या आएगा? आएगा राइडर कप क्या आएगा राइडर कप अगला है जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट्स कहता है जहांगीर खान किस खेल विच मशहूर है स्कोश बॉक्सिंग क्रिकेट या फिर हॉकी जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है बॉक्सिंग क्रिकेट या हॉकी जहांगीर खान जी, बुल्स आई सर शूटिंग से वेरी गुड शाबाश बहुत ही बढ़िया इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो कह स्क्स स्क्वेस, स्क्वेस इज अ राइट आंसर लो जी एक क्वेश्चन आपके लिए और बिल्कुल लेटेस्ट ये तो क्या गलत करोगे यार ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से तो नहीं गलत होना चाहिए एज ऑफ जुलाई 2023 वी आर चौधरी होल्ड विच रैंक इन द इंडियन आर्मी फोर्स किस रैंक पे है एडमिरल है एयर चीफ मार्शल पे है जनरल की पोस्ट पे है फील्ड मार्शल है इसको तो क्या गलत करोगे ये गलत कर दोगे क्या अब कोई कहते गुरुजी मैंने सही करना ही नहीं है तो बात अलग है बाकी ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता किसी का भी देखो एडमिरल किसके नाम पे लगता है एडमिरल लगता है जिसमें नेवी की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है उसको लगता है एडमिरल और वो कौन है आर हरि कुमार फील्ड मार्शल के भी को रैंक की नहीं होती है जनरल क्या होता है जनरल होता है जो सेना में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है वो है मनोज पांडे तो एक ही बचता है जो एयर चीफ मार्शल होता है उसके उसको क्या कौन सी रैंक लगती है ये दो नंबर आएगा ये डे आठ अक्टूबर को मनाते हैं ये डे अपने मनाते हैं पंद्रह जनवरी को और ये चार दिसंबर को ठीक है हाँ एयर चीफ बिल्कुल सही आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये इं, इंदिरा गांधी कप इज एसोसिएट एस विद स्पोर्ट्स इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंध रखते हैं जल्दी से जल्दी आंसर किया करो फटाफट से इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी किस खेल से संबंध है बॉक्सिंग किस खेल से है इंदिरा गांधी किस खेल से है बॉक्सिंग सर जी छब्बीस जनवरी दे टीचर दे फादर साहब दे कैप्टन का स्टार लग बहुत ही बढ़िया बात है देखो क्या बहुत अच्छी बात है अगले विद द ट्रम्प बटरफ्लाई स्ट्रोक लिंक्ड बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है स्विमिंग कराटे जूडो बॉक्सिंग देखो यहां पे ट्राई करो कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो जल्दबाजी मत किया करो आंसर देने में थोड़ा वेट किया करो ताकि क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए यह तो किससे संबंधित है बटरफ्लाई ये संबंधित है तो अपने पास स्विमिंग से है। देखो स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए आपके जिंदगी में स्ट्रगल आएंगे आएंगे पहले भी आए होंगे आगे भी आएंगे स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद आपको सबको बतानी है क्योंकि जैसे आप सक्सेसफुल होगे तो कुछ आपने जिंदगी में स्ट्रगल किया होगा तो ही तो आप बताओगे ऐसे कैसे क्या बताओगे आप ठीक है हाँ कौन कौन अपनी सक्सेस की कहानी बताएगा हाँ क्योंकि स्ट्रगल करेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी नहीं तो क्या मिलेगा नेक्स्ट नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएट विद नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है फुटबॉल कबड्डी हॉकी टेबल टेनिस रोल नंबर नहीं मिला सर आज कमेंट करना सारों के सारों के जो आप कमेंट करोगे वहां पे नीचे आपको लिखा मिल जाए रोल नंबर देख कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर इंदिरा गांधी है जो हॉकी समय तो मैं आपको बता दूं कि जो हॉकी वाला है वो इंदिरा गांधी गोल्ड कप ध्यान रखना इसीलिए मैं क्वेश्चनों को लेके आया हूं इसको वो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है और उसका आंसर क्या आएगा हॉकी आएगा लेकिन आपने पूछा था इंदिरा गांधी कप और वो किस से रिलेटेड है बॉक्सिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है दोनों में क्या थोड़ा सा अंतर है इसीलिए मैं क्वेश्चन को लेके आया ताकि आप बाद में आगे कभी भी कंफ्यूज ना हो आप हा ठीक है तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं तो आंसर क्या आएगा नेहरू ट्रॉफी किस खेल से है फुटबॉल फॉर विच गेम टाइगर वुड्स इज फेमस टाइगर वुड्स किस खेल के लिए फेमस थे गोल्फ फुटबॉल वौल, पॉल वॉलेट या बास्केटबॉल हां जी तो आंसर क्या आएगा टाइगर वुड्स किस खेल से, से है गोल्फ से रिलेटेड है द पोमेल हॉर्स इज ट्रम एसोसिएट विद द गेम कहता है पोमेल हॉर्स किस खेल मत है हॉर्स रेस से है टेनिस बैडमिंटन या फिर जिम्नास्टिक अब कई इसको देख के करें गुरु जी पो, पोमेल हॉर्स तो लिखा ही है तो हॉर्स राइडिंग से होगा बिल्कुल नहीं होगा यह किस खेल से है यह जिम्नास्टिक से रिलेटेड है किससे है जिम्नास्टिक नेक्स्ट देखो डर्बी कप इज एसोसिएट विद डर्बी कप किस के हैं गोल्फ, पोलो हॉर्स रेस या फिर हॉकी आज बहुत कुछ सीखना अभी तो स्टार्ट चलते है चलते देखते जवाब अभी तो सेकंड डे है अगला देखो लो जी द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस बिंग हेल्ड इन दुबई इन 2023 हजार तेईस कहां पर हुई थी दुबई में 2023 में हुई थी कोलो क्यूकली रेफर टू एज कोप इज मेनली अबाउट ऑफ दीज कोश्यू कहता है कोप ट्वेंटी एट का जो सम्मेलन हुआ था दुबई के अंदर हुआ था उसमें किस पे बात की गई थी अवॉइडिंग वार्स ह्यूमन राइट पे बात हुई थी क्लाइमेट चेंज पे बात हुई थी या स्टॉक मार्केट पे बात हुई थी बताओ क्या आएगा कोप ट्वेंटी एट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर कह रहा हूं यह ट्वेंटी एट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले पेपरों के लिए सारे पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो यह कोप ट्वेंटी कोप का मतलब क्या था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये किससे रिलेटेड थी यह हुई थी क्लाइमेट चेंज से किससे रिलेटेड हुई थी सी ऑप्शन आएगा क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन है टी पार फ्लेक्सटिक आर एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम किस खेल से संबंधित है पोलो गोल्फ स्क्वेस बिलियर्स इनका प्रयोग किस खेल में किया जाता है इस खेल में किया जाता है बिलियर्ड्स में क्यूबॉल शॉट, पुल टेबल आर ट्रम एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम यह किस खेल से संबंधित है बिलियर्स फुटबॉल क्रिकेट स्क्वेस कल भी हम स्पोर्ट्स का टॉपिक रखेंगे कुछ खिलाड़ियों के नए खिलाड़ियों के पूछेंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है अभी तक तो लाइक नहीं किया लाइक कर दो जल्दी से जल्दी किस खेल से है यह हमारे पास है बिलियर्ड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में करना है कि व्हाइट वॉश इज एसोसिएट विद विच गेम व्हाइट वॉश शब्द का प्रयोग है, किस खेल से संबंधित है जी, किसका है गोल्फ है? इसका तो गोल्फ ही आएगा तो टी टी लिखा हुआ है तो टी का तो गोलफ से संबंधित है वो बोल को उछाल के बाहर फेंकते हैं ये नहीं इसका ही आएगा जल्दी में लगे है ये। है? ये उसमें कमेंट में उन्तीस तारीख से अपना बेस्ट स्टार्ट हो चुका है अभी तक दो ही दिन फटाफट से जनवरी से अपना बैच स्टार्ट हो चुका है ठीक है एस का फाउंडेशन बैच भी अठारह जनवरी एडमिशन ले सकते हो बहुत सारे अभी वैकेंसी आई हुई है और आगे भी ठीक है कूपन कोड क्या यूज करना थ्री नाइन सेवन देखो आप चाहते गुरु जी हमारे तभी मिल पाएंगे जब आप अपना कूपन को तो, तो आपको ये सारे सारे फॉर्मेट में मिल आपने क्या करना है एक स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा क्लासेस का जो नंबर आपने नंबर पे और बोल देना कि सर का कूपन कोड लगाया कुछ ना कुछ आपको प्राइस जरूर मिलेगा ठीक है करना क्या सबसे पहले ऑर्डर क्लासेस की मोबाइल ऐप को आपने डाउनलोड करना है सर्च और फेवरेट कोर्स में जाना है, है। कूपन कोड आपसे पूछेगा यहां पे अप्लाई कर देवन आईफोन यूजर डाउनलोड करें माइस टूडे फिलोआर ए आर सी और किसी प्रकार की जानकारी आप नंबर पे कॉल है कर सकते हो यह शेड्यूल आगे की क्लासों का ये हमारा क्या रहेगा अभी शेड्यूल है रहने वाला है आपने फटाफट से करना है क्या है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है कि सर मेरे को अभी तक रोल नंबर मिला मैं एक रोल नंबर दे दूंगा आपको और वो कल से आपने क्या करना है अपने यहाँ पे लगा लेना जब अपनी क्लास स्टार्ट हो ओके वीडियो जैसी पूरी हो जाएगी लिख देना और इस क्वेश्चन का, का आंसर जरूर देना जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कमेंट ऑफ द डे के लिए ओके जी ओके थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू